शीट नंबर 32 में कुछ एक दो शॉर्टकट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो चार्ज निकालने के लिए जब कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में है। जैसे आपके पास अगर मान लो ये दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही कैपेसिटेंस 2C और एक की C है, तो आपको टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है। आपको इसमें क्या बताना है, V1 V2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी, जो कि सेम नहीं होती क्योंकि कैपेसिटेंस सीरीज में है तो V सेम नहीं रहेगा, V1 V2, लेकिन चार्ज सेम रहेगा। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2C इंटू V1। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, C इंटू V2। लेकिन चार्ज की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है, इक्वेट कर दें। इक्वेट करेंगे तो V1:V2 क्या आएगा, 1:2। ठीक है, यहां तक आप एक चीज नोट करें, शॉर्टकट ये है कि अगर कैपेसिटेंस की रेशियो दोनों की 2:1 है, अगर कैपेसिटेंस की रेशियो 2:1 है तो दोनों में पोटेंशियल की रेशियो क्या आ गई, 1:2 है। ये देखो 1:2 है। तो अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो पोटेंशियल होगा, उनका जो रेशियो होगा पोटेंशियल का, वो कैपेसिटेंस से उल्टा होगा। अगर कैपेसिटेंस 2:1 है तो पोटेंशियल 1:2 होगा। ठीक है यहाँ तक। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा क्योंकि अगर आपको V1 V2 कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ V, तो आप ऐसा करें V1 क्या होगा, V1:2 V2 1:2, तो रेशियो प्रोपोर्शन है, V1 का हिस्सा 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 1+2 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या है, V आंसर। फिर ऐसे ही V2 में 2 डिवाइडेड बाई 1+2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ये आपके पास क्या आ गया, V1 एंड V2 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन है, ये 3C है, ये 4C है और ये आपके पास बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको इसमें V1 V2 निकालना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें टोटल पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, फिर चार्ज निकाल लें, फिर क्योंकि वो कैपेसिटर सीरीज से बना हुआ है तो चार्ज सब में सेम रहेगा, अभी कर रहे थे मत करें, सीधा रेशियो लगाएं। कैपेसिटेंस की रेशियो कितनी है इसमें, 3:4, पोटेंशियल की रेशियो क्या होगी, 4:3। तो अगर V की रेशियो 4:3 है, टोटल V कितना है, 10 है, तो इसका हिस्सा क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई 4+3 × 10, और इसका क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाई 4+3 × 10 आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं, कोई डाउट इसमें। तो कोई भी कैपेसिटर C1 C2 C3, तो पोटेंशियल की रेशियो V1 V2 V3 कैपेसिटेंस की रेशियो के एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो जैसे अगर ये पैरेलल में है तो क्या होगा, अगर मान लो ये तीनों पैरेलल में है तो V की वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो कैसे निकालेंगे चार्ज, तो याद रखना ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो मैंने लिखा, ज्यादा लिख दिया, क्यों, क्योंकि V की वैल्यू सभी में क्या रहेगी, सेम, V V V एंड V, तो चार्ज क्या होगा, C × V, इसका चार्ज क्या होगा, 2C × V, इसका चार्ज क्या होगा, 3C × V, आंसर, कुछ करने की जरूरत क्या है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को करें, अगर आपके पास कैपेसिटर है, मान लो C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, मान लो C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड, ठीक, पैरेलल में, और C3 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड पैरेलल में, और ये बैटरी है 10 वोल्ट की, तो हर पे चार्ज निकालो। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन सबसे आसान होता है, क्योंकि अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ऐसा क्यों पता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर पोटेंशियल V1 है, इसके ऊपर V2 है, तो ये जंक्शन भी V1 पे हो जाएगा, और ये तीनों प्लेट्स किस पे हो जाएंगी, V1 V1 एंड V1, और अगर ये V2 है तो जंक्शन भी V2 पे हो जाएगा, तो V2 V2 एंड, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमने किया भी था ऐसा। तो इसके ऊपर चार्ज सिंपल है, इसका चार्ज क्या आएगा, C1 का, Q1 = CV 2 × 10⁻⁶ × 10 कूलम चार्ज आ गया, इसका चार्ज आएगा 3 × 10⁻⁶ × 10 कूलम, इसका चार्ज क्या आएगा, Q3 = 4 × 10⁻⁶
raised to power minus 6 into 10 coulomb. This is the answer. तो आप ये shortcuts objective या subjective किसी भी में लगा सकते हैं, कोई problem नहीं है.